बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ताज़ा तरीन रेडार सेटेलाइट के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलसल शदीद गरज चमक के तूफान, गहरे बादल तश्कील पाने और मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं और आंधी के साथ वक्फे वक्फे से बारिश के सिलसिले जारी हैं। पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा तूफानी बारिश लाहौर में 122, टोबा टेक्सिंग 26, नगर पार्कर 80 जबकि मिट्टी में 49 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। महकमे मौसमियात की ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक आने वाले मज़ीद 24 से 48 घंटों के दौरान भी 20-21 सितंबर के रोज़ कश्मीर, गिलगित-बल्तिस्तान, पिशावर समेत सुबह खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में, शुमाल मशरकी बलोचिस्तान, कराची, बदेन, ठट्ठा, थरपारकर, मिट्टी, इस्लामकोट, उमरकोट, कैटी बंदर, सजावल, मटियारी, टंडो आदम, टंडो जाम, टंडो मोहम्मद खान, हैदराबाद, मीरपुर खास, सांगढ़, नवाबशाह, पनवाकल, खैरपुर, कंबर, शहदादकोट, सखर, लाड़काना, जैकबाबाद समेत सुबह सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में और लाहौर, नारोवाल, सियालकोट, खुजरावाला गुजरात, मरी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खिता पठवार, अटक, झेलम, चकवाल, कसूर, शेखुपुरा, उकाड़ा, पाकपतन, टोबा टेक्सिंग, बहावल नगर, चोलस्तान, बहावलपुर, चिश्तियाँ, रहीम यार खान, हासलपुर, राजनपुर, फोटाबाद, साहिवाल, मेलसी, बिहाड़ी, मुल्तान, खानेवाल, मियाँ चनू, सरगोदा, फैसलाबाद और डीजी खंड बियाँ समेत सुबह पंजाब के मुख्तलिफ शुमाली, वस्ती और जनूबी इस्लामी और ख़ास तौर पर इंडियन बार्डर से मुल्हिका मशरकी इलाकों में गरज चमक, तेज़ हवाओं और आंधी के साथ बारिश, जबकि बाज़ इलाकों में मूसलाधार तूफ़ानी बारिश और ओले पड़ने के इम्कान हैं। जबकि 22-23 सितंबर से 28 सितंबर के दौरान वक्फे वक्फे के साथ मुल्क के ज़्यादातर शुमाली और वस्ती इलाकों में नए सिलसिलों से मज़ीद मूसलाधार और तूफ़ानी बारिशों के इम्कान मौजूद रहेंगे।